एक तो पति रखो स्टम्प पेपर वाला, ठीक है, और आठ आठ बॉयफ्रेंड रखो अनलीगल तरीके से, उसके बाद में उस पति का जिंदगी भर का बनाया हुआ पूंजी जो अपने बच्चों के लिए बेचारे ने रखा था, मैं एक बुक लिखने वाला हूँ, ठीक है, स्टोरी ऑफ सीमा हैदर। आप वो बुक अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अगर योगी जी के बस में होता ना, अगर कानून बीच में नहीं होता, तो फिर भैया वो सीमा को केले हैदर की नहीं जिंदगी बर्बाद की, तुमने चार चार बच्चों की जिंदगी बर्बाद की। ताना चाहता हूँ जो इनके सचिन जी हैं, बड़े प्यारे से बड़े स्मार्ट सचिन जी हैं दुनिया ना। ने ठुकराया है, लप्पू ने अपनाया है। कौन बता रहा था भैया सनातनी है सीमा? कौन है? मैं इनसे पूछो जरा, सनातन की कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं इन्होंने, और सनातन धर्म में कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एक तो पति रखो स्टम्प पेपर वाला, ठीक है, और आठ आठ बॉयफ्रेंड रखो अनलीगल तरीके से, उसके बाद में उस पति का जिंदगी भर का बनाया हुआ पूंजी जो अपने बच्चों के लिए बेचारे ने रखा था, उसको लाके तुम सनातनी धर्म में, अगर सनातन धर्म को काहे के लिए बदनाम कर रहे हो भाई, काहे के लिए सनातन धर्म को गाली दे रहे हो? तुम्हें अगर इतना जरूरत है सीमा हैदर की, इतना जरूरत है, तो एक काम करो, मैं एक बुक लिखने वाला हूँ, ठीक है, स्टोरी ऑफ सीमा हैदर। आप वो बुक अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों को, अपनी भाभियों को, अपनी माओ को पढ़ाओ, तब तो मैं बिल्कुल मानूंगा आप सीमा हैदर के बिल्कुल, मतलब बिल्कुल हाँ, अच्छे रास्ते में उनके बताए हुए तरीके पे चलोगे आप। आप ये करो, वो कर नहीं सकते आप, ठीक है, आप आ जाओगे मुंह उठा के कमेंट करने, सीमा हैदर सनातनी है। वो लोग हैं, उस कैटेगरी के लोग हैं, ये सुबह घर से जब निकलते हैं माँ बाप से झगड़ा करके 100 रुपए लेते हैं गुटखा और सिगरेट पीने हाँ के लिए, और पीने के होटलों में लिए। बैठ के सारा दिन इनको खाली इंटरटेनमेंट चाहिए फोकट का, इनको क्या चल रहा है क्या असलियत है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ये बाहर जाए बिल्कुल ना, एग्जाम्पल, जब दुबई मैं जाता हूँ, पाकिस्तानी लोग हैं मेरे मिलने जुलने वाले, मुझसे वो सवाल करते रहे, यार तुम्हारा क्या हिंदू धर्म ऐसा है, हमारे यहाँ की लड़की गई तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, ऐसा अब देखो तुम लोगों ने वो कर दिया, तो हमको जवाब देना पड़ता है। हम जाते आते वहां पे हमारा सर नीचा होता है, ये बोलने वाले हैं। अगर अभी इनको कहा जाए कि भैया ऐसा करो, सीमा को अपने घर ले जाओ, या अपने घर की माओ बहनों को सीमा के बारे में बताओ, तब सही। इनकी हालत टाइट हो जाएगी। अरे थैंक जाएंगे तो इनको खुद लात मार देगी, कहेगी आओ हमारे देवर हुआ लत मरुआ। मैं तो सीमा हैदर को चैलेंज, मैं खुल्ला बोलता हूँ, मैं सीमा हैदर को चैलेंज करता हूँ, आ जा तू लाइव डिबेट कर ले, मैं तुझे साबित कर दूंगा कि तेरा मकसद क्या है, मैं साबित कर दूंगा हाँ लाइव में। वीडियो में क्या कहती है, योगी जी मोदी जी को फोटो लेके वो कह रही थी, अरे यार शुक्र मनाओ हमारे देश में कानून है, अगर योगी योगी जी की बता रहा हूँ, अगर योगी जी के बस में होता ना, अगर कानून बीच में नहीं होता, तो फिर भैया वो सीमा तो क्या हम कहते हैं बुलडोजर पे ऐसे फेंकता कराची, ऐसे योगी जी बिल्कुल के बस में अगर होता, लेकिन बिल्कुल बीच में कानून के फंदे आ जाते हैं, और ये योगी जी मोदी जी का फोटो लेके बदनाम कर रही है। फिर मेरा कहने का मतलब यार, तुमने गलती किया है, तुम एक दूसरे कंट्री में तुमने एंट्री किया है, और चलो मानता हूं लोग हैं तुम्हारे सपोर्ट में भी हैं, खिलाफ भी है, अपनी अपनी चीजें अपने तक रखो, धर्म को क्यों वो कर रही हो भाई, धर्म को क्यों बदनाम कर रही हो? आप मुस्लिम थी, ठीक है, अच्छी बात है, आपने हिंदू धर्म अपनाया, कोई उसका सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, वो आपका भगवान का अल्लाह का मैटर है, धार्मिक चीज वहां तक रखो, लेकिन जो तुमने किया है उसका तो सजा तुमको मिलेगा। जो तुमने गलत बिल्कुल कदम उठाया भैया, तुमने सिर्फ अकेले हैदर की नहीं जिंदगी बर्बाद की, तुमने चार चार बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, और आप लोग को, और इन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो इनके सचिन जी हैं, बड़े प्यारे से बड़े स्मार्ट सचिन जी हैं, जरा उनके दिल का हाल पूछो, बेचारा खुद को शीशा में देखता होगा ना, तो रोता होगा कि मैंने क्या कर डाला, उसने एक ऐसी हड्डी खाया है जिसे अपना वो बाहर फेंक पा रहा है ना अंदर निकल पा रहा है। ना उगल पा रहा ना निगल पा रहा। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, सीमा हैदर वाली बात है, इनको इतना समझ में नहीं आता। उस दिन सीमा हैदर ने लाइव में कहा, बोले बोलने वाले बोलते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सपोर्टर हो चाहे विरोधी हो, सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं मेरे, व्यूज तो आ रहे न्यूज़ हैं, से इनको वो बात नहीं समझ हाँ में आ रही। नहीं वो बात समझ नहीं आएगी, ये लोग, मैं बोल तो रही हूँ लॉजिक इन लोगों को समझ में नहीं आता है, ये इलॉजिकल बातें करते हैं लोग।
कानून तो कोई बात ही नहीं करता है। अरे आओ डिबेट में आओ, कानून बात करो ना, हम लोग आपसे बात करते हैं। लंबा गेम खेलने का सोच रही, इतना लंबा गेम खेलने का सोच रही है, उसको लग रहा है उसका चैनल डिलीट हो जाएगा, तो कह रही मेरे 17 लाख सब्सक्राइबर है, सब लोग एक एक रुपए देंगे तो 17 लाख बन जाएगा। वाह भाई वाह, अभी तक तो हम लोग सोचते थे यूट्यूब से पैसा मिलता है, पहली बार इसने बताया कि सब्सक्राइबर पैसा देते। तो भैया मनोज यूट्यूब वाले बाबा, जितने टेक चैनल वाले सबका काम खत्म, उन लोगों का दुकान बंद, YouTube चलाना कैसे? सीमा हैदर बताएगी। तुम लोग तब तक भूखे रहते थे जब तक सीमा हैदर नहीं आई थी, अब तो सीमा हैदर के इतने दीवाने हो गए मुरीदों को, तुम्हारे घर वालों को पाल रही है। सीमा हैदर के आने से हमको पता चला है कि ये भी सनातनी है, पहले ये शायद कुछ और थे। सीमा हैदर के आने से पता चला इनके अंदर का जमीर जाग गया, इनके अंदर का जमीर जाग गया ना कि हाँ सीमा हैदर आ गई, अरे हम भी अरे छोड़ो यार भाई, ये तो सोशल मीडिया है, सामने बैठ के ऐसे लोग बात करे तो मजा आता है। एक होते बेशरम और एक होते बेगैरत, उससे कुछ क्वालिटी में आता है महाबेगैरत, तो वो इस तरीके के लोग होते हैं, बिल्कुल VIP क्वालिटी वाले बेगैरत होते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता कुछ भी बोले। सीमा हैदर का एक एहसान भी है, हमारे यहाँ जो क्या इसके 17 लाख सब्सक्राइबर है, हमारे यहाँ 17 लाख कुछ ऐसे लड़के थे जो सारा दिन घर में बेकाम के बैठे हुए थे, माँ बाप को बीबी को परेशान करते थे, सीमा हैदर ने संभाल लिया, बोले आ जाओ घर वालों को परेशान। दुनिया ने ठुकराया है, लप्पू ने अपनाया है। मैं एक मर्द होने के नाते मैं थोड़ी देर खुद को सचिन सोच के शीशे के सामने बात कर रहा था, मेरे अंदर से दिल से चीख निकली, हाय ये क्या कर डाला। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं इस टाइप में बता रहा हूँ, सीमा हैदर हो कुछ भी हो, मुझे सचिन को सिर्फ 1 घंटे के लिए मेरे साथ छोड़ दे, मैं कुछ नहीं करूंगा, उसकी दिल की बात सामने ला के रख दूंगा, सिर्फ मैं कुछ नहीं करूंगा, 1 पैक पिलाऊंगा उसको बस अपने साथ, अंदर की जो फीलिंग है ना वो मैं मोबाइल में कैच करके लेके आऊंगा। फिर आपको सचिन की जरूरत नहीं है, वो छोड़ के ना जाए। अरे भैया, अरे मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है। कभी कभी रात को ऐसे मोबाइल चलाता हूँ, सीमा हैदर के कुछ वीडियोस पहले वाले हैं उनको ऐसे मतलब जूम करके देखता हूँ ना, यार मतलब औरत कम डाइन ज्यादा दिखती है, मजाक से हटके करो अगर जूम करके देखो, इतना इतना खाली इसका देखो बस।